शनिवार को बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं कॉलेज में पहुंचे। हाई कट ऑफ के बावजूद डीओ के नामी कॉलेजों में सीटें करीब करीब फुल हो गईं। हिंदू कॉलेज में दूसरे दिन 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। वहीं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए SRCC में 459 एडमिशन हुए। गर्ल्स कॉलेज LSR में कई कोर्स में जनरल कैटेगरी की सीटें भर चुकी हैं, केवल रिजर्व कैटेगरी की कुछ सीटें ही बची हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए था, लेकिन इस कोर्स की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन इस कोर्स में 43 में से 31 सीटें भर गई हैं। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 99% कट ऑफ निर्धारित किया गया था। पहली ही कट ऑफ में सभी सीटें भर जाने की उम्मीद है। डीयू में दाखिले के लिए गुरुवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी। पहले कट ऑफ में दाखिला लेने का आखिरी दिन सोमवार है। माना जाता है कि आखिरी दिन ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दाखिले के लिए आते हैं। इसके बाद सीटें बच जाएंगी तो दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि पॉपुलर कोर्स में दूसरी कट ऑफ के लिए ज्यादा सीटें बचेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्स की पहली कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले 2% तक बढ़ी है। डीयू में स्नातन के सभी विषयों के लिए कुल 62,000 सीटें हैं, जिसके लिए 2,58,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए दिल्ली के अलावा देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। सभी का सपना दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का होता है, लेकिन सफलता कुछ फीसदी स्टूडेंट्स के हिस्से ही आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।